सरोकार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। आपके साथ मैं हूँ कौशाम्बी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राम जी मिश्र। जैसा कि पहले बृहस्पति ग्रह के बारे में पंडित जी ने बताया था, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में कि जातक की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। पंडित जी, आपने बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया था, आज हम जानना चाहेंगे शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में। ओम अन्नात परिसुतो रसम ब्रह्मणा विपिवत छत्रम पया सोमम प्रजापति रितेन सत्यम इंद्रियम विपानगम शुक्रमंदस इंद्रस्य इंद्रियमिदं पयोमृतम मधु। ओम सुं शुक्राय नमः। और अब हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं, आज के भौतिक युग का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे सुंदर ग्रह, जिस ग्रह की कल्पना आज के भौतिक युग में सभी उसी ग्रह से प्रभावित हैं, और वो ग्रह जिनका अच्छा नहीं हो पाया वो नाना प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न करता है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो ब्रह्मांड में सबसे चमकीला ग्रह आपको जो दिखता हो, सबसे सुंदर ग्रह, वो ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे तेज है और सबसे अधिक दशा महादशा शुक्र की ही मनुष्य के ऊपर चलती है। शुक्र भोग विलासता का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र सौंदर्य सुंदरता का कारक है। शुक्र ग्रह अगर अच्छा हो गया तो आज के युग में, आज के समय में वाहन सुख, सुंदर स्त्री सुख, परिवार सुख, आपस में प्रेम और शरीर में पुष्टता का कारक है। इसी शुक्र से स्त्री के सुंदर सौंदर्य की और स्त्री के सुख की भी गणना करते हैं। शुक्र अगर अरिष्ट हो गया तो मनुष्य को वाहन होते हुए भी वाहन चलाने का सुख नहीं प्राप्त होगा, स्त्री होते हुए भी स्त्री का सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो इस संसार में कहीं भी आपको सुख नहीं मिलेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको भटकना पड़ेगा। आज के जो भौतिक युग में ऐसे वातावरण में आपको अगर शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो फिर सभी कुछ गड़बड़ है। शुक्र माया नगरी का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी कारक है। शुक्र ग्रह से कवि, शुक्र ग्रह से हसमुख स्वभाव और शुक्र ग्रह से कन्या और पत्नी का भी विचार शुक्र ग्रह से ही किया जाता है। आपके जीवन में सुख लिखा है कि नहीं, इन सब का विचार शुक्र ग्रह से ही करना चाहिए। शुक्र ग्रह स्त्रियों का ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि स्त्री का विचार कुंडली में शुक्र ग्रह से ही किया जाता है और शरीर में मासिक धर्म इत्यादि की भी विचार शुक्र से ही करना चाहिए। पुरुष में जो पौरुष बल वीर इत्यादि का विचार भी शुक्र से किया गया है। इसलिए शुक्र ग्रह आज के समय का, आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र अगर अरिष्ट हो जाता है तो विवाह न हो पाना पुरुष के लिए, और शारीरिक कमजोरी और वाहन सुख से वंचित रहना, घर का सुख न मिल पाना, ये सब कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्त्री की कुंडली में मासिक धर्म समय से ना पाना और कई प्रकार की समस्याएं, सौंदर्य से संबंधित समस्या, चेहरे पे तेज इत्यादि की हानि करता है अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो। इसलिए शुक्र को, ग्रह को अच्छा करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिनको हम करके शुक्र ग्रह को और बलवान कर सकते हैं। शुक्र ग्रह अगर अरिष्ट है तो हमको किसी स्त्री को सफेद वस्तु दान करनी चाहिए। स्त्री किसी भी जाति की हो, कन्या हो, उसको आप सफेद वस्तु में दूध है, दही है, चीनी है, शंख है, मोती है, चावल है, कई प्रकार की वस्तुएं हैं, या आप शुक्रवार को दे करके
आप अपना शुक्र मजबूत कर सकते हैं, या ओपल धारण करके और या हीरा भी शुक्र के कमजोर होने पर पहनना चाहिए। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो हीरा पहनने से भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। और शुक्र हमारे जितने भी कार्य क्षेत्र है उन सब में शुक्र की अलग भूमिका है। शुक्र के और भी उपाय हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए। ओम सुं शुक्राय नमः, ये सबसे साधारण मंत्र है, इसको आप जप सकते हैं। या देवी जी की आराधना भी शुक्र में की जाती है। अगर शुक्र अरिष्ट है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, नौ चंडी पाठ या गायत्री हवन, गायत्री पूजन, ये सब करके भी आप शुक्र ग्रह को बलवान कर सकते हैं। और शुक्र अगर अच्छा हो गया तो जीवन में जो हम चाहते हैं वे सभी चीज़ें हमको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह से शरीर की सुंदरता, शरीर की रचना, और शुक्र गौर वर्ण का है, शुक्र से किस प्रकार जीवन जीने की आपकी कला है, ये सभी शुक्र ही बताता है। इसलिए शुक्र ग्रह को सदैव प्रसन्न करना चाहिए। और शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको, अगर पुरुष हैं तो स्त्री को प्रसन्न रखना होगा। स्त्री को अगर आप प्रसन्न रखते हैं तो शुक्र ग्रह को आप बलवान करते हैं। इसलिए देवी जी की आराधना आप करें जिससे शुक्र ग्रह और भी अच्छा हो। और फिर जीवन में जो भी आप आनंद चाहते हैं वो सभी शुक्र ग्रह आपको प्रदान करेंगे। पंडित जी, आज 15 फरवरी है, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा राशिफल? अब हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के बारे में। वर्तमान समय में सभी लोग कुछ न कुछ अपनी राशि को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं कि हमारी राशि में वर्तमान समय में क्या होने वाला है। तो सभी 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक वर्तमान समय में यात्रा के योग हैं और इस समय थोड़ा सा मानसिक भी परेशान है, इसलिए हनुमान जी की आराधना करें और आपका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। चर्चा करेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए। वृष राशि वालों जातकों के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, बेहतर समय है। थोड़ा धन का व्यय इस समय अधिक हो रहा है, इसलिए आप धन को रोकने के लिए भगवान विष्णु की आराधना और माँ लक्ष्मी जी का, पुरुष सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें जिससे आपका ये समय जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा मानसिक तनाव भरा है। बुधवार का दान करते रहें जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छा प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। और संतान को लेके भी थोड़ा चिंतित हैं, जिससे संतान जिनके होने वाली है उनके वर्तमान समय में अच्छा संतान सुख प्राप्त हो सकता है। नौकरी के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि, हल्का सा दांत में पीड़ा होने की, मानसिक तनाव इसमें बहुत बढ़ा हुआ है। किसी प्रकार से शिव जी को आप जल चढ़ावें या दूध अर्पण करें, क्योंकि शिव जी कुटुंब में भी कोई ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं परेशानी भरी, इससे आप शिव जी को दूध चढ़ावें जिससे आपका समय बहुत ही बेहतर हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इसलिए यात्रा में भी थोड़ा सा कष्ट उठाने की संभावना है, इसे यात्रा बहुत ही संभल के करें। चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें। देव गुरु बृहस्पति
उनका थोड़ा सा अरिष्ट है, अभी बहुत अच्छा होने वाला है। इस बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान मंदिर में जा करके करें, ये समय उनका बहुत ही बेहतर होने वाला है। चर्चा करेंगे कन्या राशि वाले जातकों। कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत ही बेहतर चल रहा है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई नशा या किसी अजनबी से बहुत संभाल सोच समझ करके संबंध बनावें, क्योंकि उससे आपको धोखा मिलने के योग बन रहे हैं या वो आपको बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, इससे कन्या राशि वाले थोड़ा सतर्क रहें और हरी वस्तुओं का दान करते रहें। चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातक। तुला राशि में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के चोट चपेट की संभावना है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घर पर एक हनुमान जी का ध्वजा तुला राशि वाले हनुमान जी को स्पर्श करा करके हरे बांस में अपने घर पे लगा दें, जिससे उनके जो भी कार्य हैं वो सभी शीघ्र पूर्ण होंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जा करके बजरंगबली के मंदिर में एक ध्वजा अपने नाम का अपना लेकर के लगवाएं, जिससे उनका कार्य सभी पूर्ण होगा। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि, शनि का थोड़ा सा प्रभाव, निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए प्रयास करें कोई भी गलत अपने से कार्य ना करें। किसी का अगर पैसा आपने हड़पा है तो उसको शीघ्र वापस करने का प्रयास करें। वर्तमान समय आपका थोड़ा सा परेशानी भरा है, इससे थोड़े से हनुमान जी के उपाय करके आप अपने समय को और बेहतर कर सकते हैं। चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातक। धनु राशि वाले जातक, आपका समय बहुत ही बेहतर है। बृहस्पति की आराधना करें, हल्दी डाल करके दूध पिएं, आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो अभी थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उन सबसे निपटने का समय आ गया है। आपका समय बेहतर होने वाला है, क्योंकि साढ़े साती भी आपके ऊपर से उतर रही है, इससे जो आपकी परेशानियां थी उनसे आप निपटने के समय आपका चल रहा है और आपका समय इससे बेहतर, जो भी आप चाह रहे हैं वो सभी चीजें आपकी पूर्ण होंगी। चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातक। मकर राशि वाले जातक, कुटुंब में कोई भी समस्या होने की संभावना है, पत्नी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना होगा और यात्राएं थोड़ी हो सकती हैं। मन आपका अपने कार्य में बहुत ही अधिक उलझने की संभावना है, बहुत अधिक आप कार्य को लेकर के चिंतित होंगे, जिससे थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके परिवार को लेकर के बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में देखने को मिल रहा है, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने कार्य क्षेत्र में आप निकलें, आपको सफलता मिलेगी। चर्चा करें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि जो कि मध्य साढ़े साती से गुजर रहे हैं, उनके दांत में और घुटनों में कमर में पीड़ा होने की संभावना है, इसलिए शनिवार के दिन गरीबों में खिचड़ी का दान अथवा छाया दान करते रहें, जिससे आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव से बचते रहेंगे और आप सभी कार्य अपने आसानी से कर सकेंगे। चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों। समय बहुत बेहतर आने वाला है। वर्तमान समय में आपका मन धन में लगा हुआ है, आप धन की चाह कर रहे हैं और धन की प्राप्ति के आपके कुंडली में योग भी बन रहे हैं, इसलिए बृहस्पति की आराधना करें। बृहस्पतिवार को हल्दी एक लाल कपड़े में बांध करके, पीले या लाल कपड़े में अपने घर में तिजोरी में रखें, जिससे आपके धन की वृद्धि के योग बहुत प्रबल बने हुए हैं। एक लाल कपड़े में हल्दी और धनिया बांध करके बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में रख दीजिए, तो जो आप इतने दिन से धन की लालसा कर रहे हैं वो आपके पूर्ण होने के योग आ गए, धन की अधिक प्राप्ति इस वर्ष होगी, एक साल तक उसको अपने घर में रखे रहें।
हमारे साथ समय चक्र में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने आपको शुक्र ग्रह का जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा रहेगा आज का राशिफल बताया, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।